करना, सानू ते सोना तू लगना है। तो गाइज रात की स्टूडियो में हम बात करेंगे आप इस तरीके की लास्ट वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो वो भी कैपकट ऐप पर। तो उससे पहले गाइज यहाँ पर देखें मेरा जो न्यू यूट्यूब चैनल था तो वहाँ पर एक हैकर ने क्या किया कि यूट्यूब चैनल को हैक करने के बाद हमारे उस चैनल पर उसने हैकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की और यूट्यूब ने विजिट किया तो देखा कि ये तो हैकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर रहा है और यूट्यूब ने हमारे चैनल को टर्मिनेट कर दिया। तो अभी यहाँ पर देखें मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया जहाँ पर हम टिकटॉक ट्रेंड से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप हमारी इस वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। तो अभी यहाँ पर मैं कैपकट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने इसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सबसे पहले इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप वेलोसिटी एडिट करना चाहते हो। तो अभी जैसे कि मैं अपनी गैलरी वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल वीडियो, यहाँ से मैं आपको प्ले भी कर दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने गाइस क्या करना है, यहाँ पर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ नीचे देखें तो आपको यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपने स्पीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नॉर्मल पर जाना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है 0.5x या 0.6x भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से अभी आपने इसको कर देना है डन। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी वीडियो होगी वो यहाँ पर स्लो मोशन के साथ प्ले होगी। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी पर। और उसके बाद एक्सपोर्ट होने के बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, दोबारा से आपने न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ और दोबारा से आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी गैलरी से उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जो अभी आपने एक्सपोर्ट की थी स्लो मोशन में। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद गाइस अभी यहाँ पर आपकी वीडियो ऐड हो जाती है कैपकट ऐप पर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो का वॉल्यूम यहाँ से ऑफ कर लेना है। तो आपने इस वीडियो का वॉल्यूम कैसे ऑफ करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है 0%। तो अभी यहाँ से मैं इसको इस तरीके से डन कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो म्यूज़िक जब हम इस वीडियो का एडिट करेंगे तो यहाँ पर म्यूज़िक आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसका वॉल्यूम यहाँ से ऑफ कर देना है। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ से क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपने फिर से 2 सेकंड्स के गैप से आपने अपनी वीडियो को इस तरीके से स्प्लिट करते जाना है। तो इस तरीके से नहीं कि आपने अपनी वीडियो को स्प्लिट करना है जैसे कि अभी आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैं इस वीडियो को स्प्लिट कर लेता हूँ थोड़े थोड़े गैप से। और उसके बाद भी यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि यहाँ पर आपने किस तरीके से इस वीडियो की स्पीड को एडजस्ट करना है। तो अभी यहाँ पर जल्दी से मैं इसके ऊपर इस तरीके से कट्स लगा देता हूँ वीडियो पर, ये वाले कट्स आपने ध्यान से लगाने हैं। और उसके बाद अभी यहाँ से मैं इस वीडियो को यहाँ से स्प्लिट करता हूँ और यहाँ पर देखे वाटर मार्क आ रहा है इस ऐप का, तो आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा बैक की तरफ से यहाँ से आपने अपनी वीडियो को स्प्लिट करना है और यहाँ पर जो वाटर मार्क वाला पार्ट है आपने इसके यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ से आपने इस ऐप का भी वाटर मार्क डिलीट कर देना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपने इसकी स्पीड को कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला क्लिप था आपने इसको छोड़ देना है और इससे आगे वाला जो यानी कि आपने अपनी वीडियो का स्प्लिट करके पार्ट बनाया था तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पर स्पीड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आपने इसकी स्पीड सेट करनी है वो यहाँ से आपने स्पीड सेट करनी है 2.5x। तो अभी यहाँ से मैं इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ और यहाँ से आपने इसको डन कर देना और फिर से आपने एक क्लिप को छोड़ना है और उससे आगे वाले क्लिप के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर से नॉर्मल पर जाने के बाद यहाँ से आपने अपनी सभी वीडियो के क्लिप्स को 2.5x या अराउंड 3x तक आपने सेट करते जाना है। तो अभी यहाँ पर मैं इसी तरीके से एक क्लिप को छोड़ता हूँ और उससे आगे वाले क्लिप के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर स्पीड पर जाना है और यहाँ पर नॉर्मल पर जाने के बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है 3x। तो अभी यहाँ पर हमने अपनी वीडियो को इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर लेना है और अभी यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने इनके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं जहाँ पर हमने अपनी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ किया था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपकी वीडियो स्पीड इंक्रीज़ होगी। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जहाँ से आपकी वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो आपने उस पॉइंट पर जाना है और उसके बाद गाइस यहाँ नीचे की तरफ देखें तो आपको ओवरले का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस ओवरले के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी गैलरी से वाइट पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि वाइट बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाइट पिक्चर आप इजीली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अभी यहाँ पर जो वाइट स्क्रीन है आपने इसको 2 फिंगर के साथ इस तरीके से अपनी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर अप्लाई कर देना है और यहाँ से जो इसका ड्यूरेशन है तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एनिमेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने चले जाना है इन पर और उसके बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है फेड इन। तो यहाँ पर देखें हमने इसको फ्लैश इफेक्ट में क्रिएट करना है यहाँ पर और यहाँ से आपने इसका टाइम ड्यूरेशन 3 सेकंड तक सेट कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें जो फ्लैश इफेक्ट है यहाँ पर हम क्रिएट करने लगे हैं।
तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद जहाँ तक आपकी स्पीड इंक्रीज होकर ख़त्म होती है तो आपने इसको उस पॉइंट तक यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करना है, यानी कि यहाँ से आपने इसका टाइम ड्यूरेशन 0.7 सेकंड या अराउंड 0.8 सेकंड तक ही रखना है। तो अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसका टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जहाँ से हमारी वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ होती है, ठीक है, वहीं पर हमारा जो फ्लैश इफेक्ट है वीडियो पर इस तरीके से प्ले होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सही तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने आगे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चले जाना है इन पर, और उसके बाद यहाँ से जो इसका टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर आपने 0.5 सेकंड तक इसको सेट कर देना है। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए जहाँ से आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पर आपने इन सभी पार्ट्स के ऊपर ये फ्लैश इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपने इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसकी कॉपीज को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलता है लास्ट पर, तो आपने यहाँ से इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेनी है ऐसे, यानी कि तकरीबन 6 से 7 अभी यहाँ से मैं कॉपीज़ इसकी क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आपने एक एक फ्लैश इफेक्ट को उठाना है और जहाँ से आपकी जो वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ होती है आपने इनको वहाँ पर इस तरीके से ऐड करते जाना है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ और इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट वाले फ्लैश इफेक्ट को उठाना है और जहाँ पर आपकी वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो आपने वहाँ पर जाकर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर जल्दी से मैं इन सभी वीडियो के क्लिप्स के ऊपर जहाँ से वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो इनको वहाँ पर जाकर इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको और भी इफेक्ट्स बताऊँगा कि यहाँ पर आपने कौन कौन से इफेक्ट्स यूज़ करने अपने इस वीडियो पर। तो अभी यहाँ पर देखिए लास्ट वाला पार्ट रह चुका है, तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बच जाता है तो आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। और इसके अलावा भी गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो अभी यहाँ पर आपकी वीडियो पर फ्लैश इफेक्ट इस तरीके से प्ले होंगे जहाँ पर आपकी वीडियो की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो अभी यहाँ पर आपने इसको बैक करना है और दोबारा से अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चले जाना है इफेक्ट्स पर, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद तो अभी यहाँ पर आपने देखे हैं बेसिक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बेसिक के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाता है एज ग्लो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसकी जो सेटिंग रखनी है वो 40% तक इसको यूज़ करना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको इस तरीके से डन कर देता हूँ, तो इतना बहुत है। तो यहाँ से मैंने इसको 12 कर दिया और अभी यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ से आपकी वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो आपने इसको उसी पॉइंट के नीचे इस तरीके से इस इफेक्ट को ऐड करना है। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने दोबारा से इसकी कॉपीज़ को क्रिएट कर लेना है। तो अभी यहाँ से मैं इसकी 3 से 4 कॉपीज़ यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ और जहाँ से हमारी वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो आपने इनको वहाँ पर इस तरीके से लगाते जाना है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ऐड करता जाता हूँ और दोबारा से आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखे जो एज ग्लो है इफेक्ट वो आपकी वीडियो पर इस तरीके से वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, दोबारा से आपने वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने दोबारा से चले जाना है बेसिक पर। और अभी यहाँ पर देखे आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाता है जिसका नेम है यहाँ पर देखें तो कहाँ गया, तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको देखने को मिल जाता है मिनी जूम ये वाला इफेक्ट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है इसको। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है यहाँ से मैं इसको अराउंड कर लेता हूँ 12 और उसके बाद यहाँ पर जो इसकी रेंज है यहाँ से आपने इसको अराउंड 20% तक यूज़ करना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ और अभी यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मिनी जूम है तो आपने अपने इस वीडियो के ऊपर कम्प्लीट इसको इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से कम्प्लीट वीडियो पर अप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पर देखें जो मिनी जूम है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी शेक होती हुई दिखाई देती है, जैसे कि म्यूज़िक भी प्ले होता है साथ साथ। तो दोबारा से आपने वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक और इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपने बेसिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बेसिक में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें इसका नेम है कैमरा शेक, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो इसकी एडजस्टमेंट है आपने इसको बिल्कुल भी यहाँ से इसको नहीं छेड़ना है। और अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो कैमरा शेक है अब आपने इसको यहाँ पर जो मिनी जूम है इसके दरमियान में इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, आपने इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 0.7 सेकंड तक ही सेट करना है और यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करते जाना है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, दोबारा से आपने इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी कॉपी क्रिएट करने के बाद फिर से यहाँ पर आपने इसको दरमियान में यहाँ पर इस तरीके से सेट करते जाना है और फिर से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और फिर से यहाँ पर आपने इसको दरमियान में यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपकी वीडियो भी शेक होगी हल्का सा और यहाँ पर आपकी वीडियो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर मैंने इनको एडजस्ट कर दिया और फाइनली यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो कम्प्लीट हो जाती है और यहाँ पर मैं आपको फाइनली ये वाली वीडियो भी प्ले कर दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखें फाइनली हमें कुछ इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिलता है
और अब यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से वाली वीडियो बड़ा कर रिप्ले कर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने इस वीडियो का वॉल्यूम ऑफ रखा हुआ है क्योंकि इससे जो हमें यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है। और इसके अलावा गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ गाइज़ यार जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़ यार आज की इस वीडियो में इतने था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।